नाज़रीन आदाब, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर है हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके अपने चैनल रुकनुल इस्लाम 2 में। आज हम एक अलग उनवान पर बात करने वाले हैं। इंसान के लिए वक्त एक ज़रूरी चीज़ है। जो इंसान वक्त का पाबंद होता है वो हमेशा कामयाब होता है। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार दो लड़के, एक का नाम सरफराज था और दूसरे का नाम खालिद था। दोनों अच्छे दोस्त थे और क्लासमेट भी थे। इम्तिहान का टाइम आया। सरफराज मेहनती था लेकिन वक्त का पाबंद नहीं था और खालिद टाइम का पाबंद था। एग्ज़ाम को सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, उस्ताद ने कहा। सरफराज ने कहा, अरे 5 दिन बाकी है, पढ़ लेंगे। और खालिद इम्तिहान की तैयारी शुरू किया। इम्तिहान के एक दिन पहले की रात को सरफराज गेम खेलने लगा और देर रात सो गया। दूसरे दिन सरफराज जल्दी उठ नहीं पाया, इम्तिहान में बहुत देर से पहुंचा। इम्तिहान में सरफराज के काफ़ी कम नंबर आए। पढ़ने में दोनों टॉपर्स थे तो सरफराज के नंबर कम क्यों आए? इसकी वजह थी वो टाइम का पाबंद नहीं था। उसने टाइम का कदर नहीं किया, इस वजह से उसका नंबर कम आए। नाजरीन, पूरे दुनिया में कोरोना पहला हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है, इसका आप भी फ़ायदा उठाएं और कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। नाजरीन, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ खुदा, मेरी वीडियोस को जो लाइक करे उनकी मायूस जिंदगी खिल जाए, और जो कमेंट करे उनको उनकी मोहब्बत मिल जाए। प्लीज इस दुआ को कबूल करना।